नेहा सीधी तस्वीरें आप जरा दिखा देते हैं। विपक्ष ने पूरे मोर्चे की तैयारी कर ली है और वो दरअसल अब थोड़ी देर बाद मार्च निकालने वाले हैं और उससे पहले ये बैठक का दौर चला जिसमें राहुल गांधी, खड़गे, सोनिया गांधी भी मौजूद रहीं। आगे किस तरीके से बीजेपी पर आक्रमण की नीति बनानी है इस पर यहां पर मंथन और चर्चा हुई और ये भी तय हुआ कि 1 मार्च जो है वो निकाला जाए। तो राहुल गांधी को सजा दरअसल कांग्रेस के लिए अब एक मुद्दा बन गया है। रेणुका चौधरी मानहानि का केस पीएम के बोल पर करेंगी, वहीं 27 मार्च को कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है। इसके अलावा विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस का दिल्ली में आज मार्च होना है। राष्ट्रपति से मुलाकात का भी कांग्रेस ने वक्त मांगा है। तो राहुल गांधी केंद्र में हैं और उनके इर्द गिर्द ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर अब विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है। ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र पर चोट है जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल सरकार कर रही है। इसी को लेकर विजय चौक तक विपक्षी सांसदों का ये मार्च और उससे पहले इसकी रणनीति क्या होगी इसको लेकर चर्चा इस मीटिंग में की गई जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इसमें तमाम विपक्षी सांसद मौजूद हैं अलग अलग पार्टियों के, जिसमें कांग्रेस प्रमुख तौर पर शामिल है और ये मार्च को लेकर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए गए हैं। कैसे पिछली बार हमने देखा था कि 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती अर्पिता यहां पर की गई थी विजय चौक के इर्द गिर्द। पहले बैरियर के आगे ही बढ़ने नहीं दिया गया था सांसदों को, उसके बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा था। देखना आज ये होगा कि क्योंकि खराब मौसम है और इतनी ज्यादा सुरक्षा है, इस बीच ये मार्च होगा भी या नहीं। बिल्कुल, लेकिन देखिए यहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तस्वीरों में बैरिकेड लगे हुए आपको नजर आने शुरू हो गए हैं। तो जब अब यह ऐलान हुआ कि धरना प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर हो, 1 मार्च निकाला जाए, तो तैयारी भी पूरी एजेंसियां जो पुलिस के अधिकारी हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं और जांच एजेंसियों पर आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के नेता और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी भी लगाई गई है। 5 अप्रैल को अब आगे इस पर सुनवाई होनी है जिसमें केंद्र पर यह आरोप है कि इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और ये कई मुद्दे हैं जो एक साथ रणनीति के तौर पर विपक्ष लेकर आज मार्च निकाल रहा है। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रही है। मौसमी, पिछली बार भी आप मार्च को कवर कर रही थी, हो नहीं पाया था मार्च, आज खराब मौसम और इतनी जबरदस्त सुरक्षा, इसके बीच हो पाएगा या नहीं संभव? जी बिल्कुल, देखिए हम लोग जिस पॉइंट पर खड़े हैं उसी पॉइंट पर हम लोग खड़े थे और ये शायद वो लक्ष्मण रेखा थी जिसके आगे विपक्ष बढ़ नहीं पाया था। हालांकि आज मौसम बदला हुआ है, बारिश हो रही है, लेकिन जिस तरह से वार और पलटवार सियासी बारिश जो हो रही है उसके मद्देनजर मुझे लगता है माहौल गरमाया हुआ है। आज फिर आप देखिए कि पुलिस के बहुत सख्त बंदोबस्त है। विजय चौक की ये तस्वीरें आप देख रही हैं और लगभग 11:30 बजे शुरू होना था मार्च जो कि अब 12 बजे हो रहा है, पर देखना होगा कि क्या इस लाइन से आगे विपक्ष को जाने दिया जाता है। लेकिन आज फर्क ये होगा कि शायद राहुल गांधी भी इस मार्च में मौजूद होंगे और हमने देखा था कि कुछ 2 सत्र पहले राहुल गांधी किस तरह से सड़क पर ही बैठ गए थे और वापस जाने से उन्होंने मना कर दिया था। हालांकि पिछली बार विपक्षी दल वापस गए और देखना होगा कि क्या आज विपक्ष इस बात पर अड़ा रहता है कि उसको लक्ष्मण रेखा लांघनी है या फिर वो फिर से वापस संसद लौट जाता है। मौसमी, राष्ट्रपति से भी वक्त मांगा है मुलाकात का, उसके बारे में क्या अपडेट, वक्त मिला या नहीं? जी देखिए, कांग्रेस ने रणनीति के तहत विपक्षी दलों को भी इसमें एकजुट कर लिया है। खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा 16 विपक्षी पार्टियां खटखटा सकती हैं एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल को लेके। हालांकि कांग्रेस इसमें एक साथ नहीं थी बाकी पार्टियों के पहले, ये तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और आरजेडी की पहल थी, लेकिन शायद कांग्रेस भी को भी लगता है कि अगर यहां सहयोग चाहिए तो उधर सहयोग करना पड़ेगा और यही वजह है कि अब खबर आ रही है कि 16 विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो ऐसा में देखना होगा कि तमाम विपक्षी दल जो नहीं जुड़े थे कांग्रेस के साथ पिछली बार, क्या वो भी यहाँ पे साथ में नजर आएंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने आज कांग्रेस की बैठक में सुबह हिस्सा लिया तो अपने आप में कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को बड़े ज्वलंत तरीके से संसद से लेकर सड़क तक उठाना चाहती है और अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव जैसे सुर और स्वर मिला रहे हैं कांग्रेस से, कहीं ना कहीं बदलते हुए सियासी समीकरणों
की ओर इशारा कर रहे हैं नेहा। मौसमी, इसके साथ ही हमने देखा कि आज सुबह भी एक मीटिंग की गई, शाम को भी आप बता रही थी एक मीटिंग होने वाली है, कहीं ना कहीं मुद्दे थोड़े भटक से नहीं गए? शुरुआत जेपीसी की मांग को लेकर हुई थी अडानी मुद्दे पर, अब फोकस में राहुल गांधी आ गए हैं, बीच में और अन्य मुद्दे आते रहते हैं, तो ऐसे में विपक्षी दल कभी उससे साइड हट जाते हैं, कभी शामिल हो जाते हैं। नेहा, आपने सही सवाल किया। देखिए, रात के 9 बजे तक मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के घर पर बैठक चली, मैं मौजूद थी। उससे पहले दिलचस्प है कि ईवीएम पर बैठक थी शरद पवार साहब के घर पर, और उसमें दिग्विजय सिंह गए थे कांग्रेस की नुमाइंदगी करते हुए। तो बैठकों का दौर चल रहा है। कांग्रेस और विपक्ष को पता है कि जेपीसी की मांग ऐसा मुद्दा है जिसपे वो एकजुट हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से कानूनी कार्रवाई हुई है राहुल गांधी के खिलाफ, उसको मनीष सिसोदिया और बाकी ठीक है जोड़ा। मौसमी, आपका रुख करेंगे, जरा मिलन का रुख भी कर लेते हैं। कांग्रेस दफ्तर के बाहर है और जबरदस्त हंगामा वहां मिलन देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस दफ्तर के बाहर पुलिस की तैनाती लगी हुई है, लेकिन दफ्तर के अंदर इस वक्त आप देख रहे हैं कि तमाम लोग यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और नारेबाजी कर रहे हैं राहुल गांधी पे। जिस तरीके से कन्विक्शन आया है उसके बाद से लेकर लगातार तमाम कांग्रेस के दफ्तरों में प्रदर्शन और धरना करने का ये निर्णय लिया गया है। बात भी लोगों से हम करना चाहें, आप लोग धरना दे रहे हैं राहुल गांधी जी के लिए, यहाँ पर कन्विक्शन हुआ है उनका, तो क्या उद्देश्य है, क्या सब जगह प्रोटेस्ट करेंगे आप? देखिए, कल मैं खुद गुजरात में था, गुजरात के कोर्ट में था। ये बड़े शर्म की बात है कि वहाँ पे सब छोटे लॉयर ये कह रहे थे कि जजमेंट सुनवाई कोई और जज कर रहा था और जजमेंट कोई और जज दे रहा है, वो भी 12 दिन में, जिसका प्रमोशन होने वाला है। तो ये जो पूरा शासन है, जैसे मोदी शाह रिजम जिसको कहते हैं, शाह और ताना शाह, ये दोनों मिलकर ये एक सामान्य घटना को, और मैं मानता हूँ उन्होंने जो कहा उस बात को लेकर जो सुनवाई हुई है, वो सुनवाई पूरी तरह से दबाव में हुई है।